मोहतरमा, अपने मिसाल के चक्रों से निकल के जरा दुनिया पे भी नजर डालो। बहुत कुछ बदल चुका है और तुम्हारी दोस्त की जिंदगी में बहुत कुछ फाइनल भी हो चुका है। क्या फाइनल हुआ, जल्दी बोलो। तुम्हारी दोस्त की शादी हो रही है। ओके कर दिया है तुम्हारी बहन के देवर को मेरी मामा ने। बहुत वाकई सच कह रही हो? बहुत बहुत मुबारक हो। इसी खुशी में तुम आ रही हो ना? दिल तो बहुत चाह रहा है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मजबूरी है, नहीं आ सकती। अरे ये बीनी कब जाएगी वापस? पता नहीं, एक हफ्ते के लिए आई थी लेकिन दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। और यार इशू बीनी नहीं, राहील है। तुमने वलिद भाई को बताया नहीं है क्या उसके बारे में? सबको बहुत नेक और शरीफ बनकर दिखा रहा है। मामू और वलीद तो उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रहते हैं। बहुत ही बड़ा एक्टर है वो, फ्रॉडी है। यही परेशानी मुझे भी है कि उसकी असलियत सबके सामने कैसे लाऊं मैं। मेरी बात पे तो कोई यकीन ही नहीं करता, और वो इतना चालाक है कि इस घर के तमाम लोगों को अपने फेवर में करता जा रहा है। और आने वाले दिनों से बहुत डर लगता है मुझे सोया। अरे ऐसी बात क्यों कर रही हो? खबरदार, जो अगर आईंदा तुमने डरने की कोई बात की। ऐसा करो, कल मेरे पास आओ, हम दोनों बैठकर सोचते हैं इस बारे में। बल्कि मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। नहीं, मैं वली से कहूंगी, वो मुझे तुम्हारे घर ड्रॉप कर देंगे। ये बेस्ट रहेगा। चलो ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखना। बाय। खुदा हाफिज। आ जाएं। तुम? मुझे पता चला कि नसीब है दुश्मना, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ मैडम, तबीयत कैसे खराब हो गई आपकी? तुम अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना 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 क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी, सबको बुलाओगी, क्या कहोगी? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? कुछ भी तो नहीं। और वैसे भी तुम्हारे कमरे में बगैर इजाजत के नहीं है। अंकल से इजाजत लेकर फलीद को पता कर, क्या करोगी तुम मेरा? हाँ कुछ भी नहीं कर सकती। तुम जो ये गंदा खेल खेल रहे हो ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा राहील। और तुम्हें बता रही हूँ, मुझे बुजदिल मत समझना। मैं अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। बेहतर यह है कि अपनी गंदी सोच लेकर मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ओह, मैं तो डर गया। अरे राहील, खड़े क्यों, बैठो ना। वलीद भाई, एक्चुअली भाभी ने मुझे बैठने के लिए ऑफर इन किया, और वैसे भी किसी और के कमरे में बगैर इजाजत आना सख्त मायूब था। आपने मुझे कहा कि जाके उरूसा से डायरेक्ट तबीयत पूछ लो, तो इसलिए आ गया। एनीवेज थैंक यू भाभी। क्या हुआ उरूसा? आप जानते हैं ना, आप जानते हैं किस तरह का इंसान है। इंतहा आवारा, बल्कि इसके बावजूद देखो उरूसा, जो कुछ था ना वो उसका माजी था। अब वो बीनी का शौहर है और वो बीनी की पसंद है, हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूं ना, वरना उरूसा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। प्लीज, अब वो हमारा फैमिली मेंबर है। अपने दिमाग से सारी वो बातें निकाल दो जो तुम्हें उसके बारे में बताती। राहिल को अपने नए रिश्ते के हिसाब से देखो, वो भी कोशिश कर रहा है ना अपने आप को सेट करने की। क्या करें, हमारी मजबूरी है, इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखो बीनी की वजह से ये सब हमें करना पड़ेगा ना। मैं आता हूँ, देखूँ ये लोग क्या कर रहे हैं।